मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब इंतजार किया जा रहा है लोकसभा चुनाव का। देखा गया कि पांच राज्यों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में आई और वहीं तेलंगाना में सरकार बनाने में कामयाब हुई कांग्रेस पार्टी, लेकिन ZPM मिजोरम में चुनाव जीतती हुई नजर आई। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन से दिग्गज नेता होंगे जो लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, ना सिर्फ बीजेपी खेमे से बल्कि कांग्रेस खेमे से भी। और इसी बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट से लेकर बीजेपी की दिग्गज महिला नेत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा किए हुए है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की सरकार राजस्थान में सत्ता में है, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं और प्रबल दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया पेश करती हुई नजर आई। हालांकि वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, लेकिन अब उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आई हैं। दरअसल जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी, इन अटकलों पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया है या फिर यूं कहा जाए मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी बात रखी कि मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और दोनों ही दिग्गज नेताओं ने हामी भर दी है, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए यहां पर एक आपसी भिड़ंत देखने को मिलेगी, क्योंकि सचिन पायलट मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस अपने विधायकों को उतारेगी। आपको जानकारी दे दें कि सचिन पायलट के अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं, और ऐसे में देखा जाए सुखवीर सिंह जौनपुरिया, जो जिस तरह से देखा जाए वह सांसद है बीजेपी खेमे से सवाई माधोपुर में, तो सवाई माधोपुर में पायलट की जीत इस वक्त पक्की बताई जा रही है। दूसरी ही तरफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर भी सियासी अटकलें तेज हैं। जी हां, जानकारी दे दें कि अशोक गहलोत को लेकर भी कहा जा रहा है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जोधपुर में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से अशोक गहलोत को टिकट दिए जाने की मांग की गई और बताया गया कि अशोक गहलोत को टिकट नहीं मिलता तो यहां पर कौन चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, इस पर कहना भी मुश्किल है। तो फिलहाल आपको बता दें कि सचिन पायलट अजमेर से पहले सांसद रह चुके हैं। अब सचिन पायलट इस बार किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये वक्त के साथ साथ जानेंगे। लेकिन यहां पर देखा जाए वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर अटकलें तेज हैं कि वह झालावाड़ से चुनाव लड़ सकती हैं। राजेंद्र राठौड़ को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ को लेकर चुरू से नहीं, राजसमंद से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिरकार बीजेपी से और कांग्रेस से कौन कौन से दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो वाकई में एक आपसी और तगड़ी भिड़ंत तो देखने को नजर आ सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।